एमसीयू की दो कैरेक्टर जिनको मैं रियली अपने इंडिपेंडेंट शोज में देखना चाहता था वह स्कारलेट विच और विजन। और देखो शायद एमसीयू ने मेरी सुन ली है। सो हियर, दो दिन पहले हमें मिल चुका है वांडा विजन सीरीज की फर्स्ट ट्रेलर, और जैसे हमें लग रहा था यह सीरीज उससे ज्यादा वियर्ड होने वाली है। अब अगर वांडा और विजन के हिस्ट्री को कॉमिक्स के बुक में ट्रेस करने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि वांडा और विजन दोनों 1970s में एवेंजर में शामिल होने के दौरान मिले थे, फिर उन्हें प्यार हुआ और 1975 में उनकी शादी हो गई। यह हमें कॉमिक्स जाइंट साइज एवेंजर इशू 4 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें इनके स्ट्रगल एज ए वियर्ड बट हैप्पी कपल देखने को मिला था कॉमिक्स विजन और स्कारलेट विच और वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स में, जहां पर इनको दो ट्विंस बॉय भी होता है विलियम और थॉमस, जो कि हमको जॉन बायर की 1985 की स्टोरी लाइन विजन्स क्वेस्ट में पता चलता है, जिसके बाद विजन को गवर्नमेंट स्पाइस और साइंटिस्ट के थ्रू डिसमेंटल कर दिया जाता है। और ऑल दो हैंक पीम वही एंटमेंट एंड द वॉस्प वाले वह विजन को फिर से जिंदा तो कर देते हैं बट उसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता, जिसे दुखी होकर वांडा थ्रू द हेल्प ऑफ अगाथा हार्कनेस अपने बच्चे और विजन की मेमोरी को रिमूव कर देती है। अब यह तो हुई कॉमिक्स की बात, बट अगर एमसीयू की फेज 3 को देखें तो एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर से हमको ऑलरेडी पता है कि विजन अब जिंदा नहीं है, और ऑल दो वह इस चीज को एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली उसने यह सारा चीज जो कि हमें वांडा विजन में देखने को मिलने वाला है यह सब वांडा के दिमाग का उपज है। ट्रेलर बिल्कुल 1960 स्टाइल के सिटकॉम पर बेस्ड है, जहां पर हमको स्टार्टिंग में ही यह आइडिया दे दिया जाता है कि वांडा और विजन जस्ट मैरिड है। ऑब्वियसली क्योंकि वांडा यह सारा चीज अपने विल के हेल्प से कर रही है, तो यह सारी चीज की शुरुआत भी उनके मैरिज से ही होनी है। नेक्स्ट हमें विजन कहते हुए सुनाई देता है कि क्या वांडा और विजन एक फाइन कपल है। ऑब्वियसली क्योंकि वांडा एक विच है और विजन एक एडवांस्ड एंड्रॉइड, जिसके रिप्लाई में वांडा कहती है कि यह अब उनका नया घर है और यहाँ पर अब उनको फिट होना है, जिस कारण वह विजन का पर्पल कलर चेंज करके एक रेगुलर ह्यूमन जैसा बना देती है ताकि वह इजिली फिट हो सके। और यहाँ पर फर्स्ट हमको एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हुए दिखने को मिलता है, जो कि एलिजिडली कॉमिक्स की वही विच है जो कि वांडा को सब कुछ कोप करने में हेल्प करती है, अगाथा हार्कनेस। और नेक्स्ट कट में हमको वांडा थ्रू मैजिक वाइन ढालते हुए दिखाई जाती है, और ऑल दो यह सीन बिल्कुल प्लेन लग रहा है, यहाँ पर हमको हाउस ऑफ एम कॉमिक्स की एक बहुत ही स्मार्ट रेफरेंस देखने को मिलता है वाइन के लेबल के पार्ट से, जो कि कन्वर्ट होकर इंग्लिश में बनता है हाउस ऑफ कंटेम्प्ट, जिसका एक और मतलब यह भी हो सकता है कि वांडा यह सब जो भी कर रही है बेसिकली यह सारा चीज रूल एंड लॉ के अगेंस्ट है। अब अगले ही सीन में डेबरा जेरोब 1960s की फेमस टीवी एक्ट्रेस और उनके हस्बैंड के रोल में फ्रेड मेलामेंट वांडा और विजन के साथ डिनर टेबल में दिखाई देते हैं, जहां पर डेबरा जेरोब पूछती है कि उनकी शादी कब हुई थी और वह कहां से आए हैं और उनका कोई बच्चा अभी तक क्यों नहीं हुआ है, जिसका जवाब बोथ वांडा और विजन दोनों के पास नहीं होता है। यहां पर एक और चीज जो हमको दिखता है वह है फ्रेम बड़ा हो रहा होता है, प्लस ऐसे वाइब्स देने की कोशिश की जा रही है जैसे कोई सपने से रियलिटी की तरफ आ रहा हो। यहाँ पर हमको बहुत ही क्विक सक्सेशन में अभी तक जो भी हुआ है उसको फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि वह सारे एक्चुअली वहाँ पर है ही नहीं, यानी यह सारा चीज मोस्ट प्रोबेबली वांडा हेलुसिनेट कर रही है या फिर उसने एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना लिया है। अब नेक्स्ट हमको जो दिखने को मिलता है वह सभी बहुत ही वियर्ड सा हो जाता है। हम वांडा और विजन के ब्लैक एंड व्हाइट वर्सन को कलर एनवायरनमेंट में देखते हैं, जहां वह दोनों भी स्लोली कलर में चेंज हो रहे होते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक नए डिकेड को दिखा रहा होता है जिसको खुद वांडा ही कंट्रोल कर रही थी। और इसके क्विक सक्सेशन में हमें वांडा और विजन दोनों नए आउटफिट्स और लुक्स में दिखने को मिलती है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि वांडा का हर बार जब एक सपना टूट जाता है और वह एक नई रियलिटी में आ जाती है, जहां पे वह एक डिकेड आगे आती है और उस डिकेड में अपने फैमिली को ग्रो करने की कोशिश कर रही होती है। बट यहाँ पर अगर वॉइस ओवर को सुने जो कि ऑब्वियसली इस सीन पर बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वांडा मोस्ट प्रोबेबली अपना कंट्रोल लूज कर बैठी है। नेक्स्ट हमको वांडा विच कॉस्ट्यूम में भी दिखाई देती है, जो कि ऑब्वियसली वांडा विजन कॉमिक्स के हेलोवीन वाले इशू पर फोकस करती है। यहाँ पर हमको विजन फ्लाई करते हुए भी दिखता है, बट उसके अलावा सभी फ्रीज्ड है, जो कि शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वांडा अपना कंट्रोल लूज कर बैठी है। विजन यहाँ पर हमको ट्रेलर में फर्स्ट टाइम अपने एवेंजर्स वाले लुक में दिखता है विद केप एंड ऑल। अब यहाँ पे विजन समहाउ वांडा के व्हील से बाहर आ चुका है और यह अपने आप पे डिपेंड हो चुका है। यहाँ पर वह अपने रियलिटी स्टोन के हेल्प से एग्नेस या फिर अगाथा हार्कनेस जो कि फ्रीज थी उसको अनफ्रीज करता है, और उनके बीच हुई यह कन्वर्सेशन इस बात को कंफर्म करता है कि विजन सच में मर चुका है और यह सब वांडा के दिमाग की उपज है, और शायद इन सब में एग्नेस भी समहाउ रिलेटेड है।
नेक्स्ट हमको दो चीज देखने को मिलता है। फर्स्ट हम वांडा को अपने पावर की मदद से अपने एनवायरनमेंट को बदलते हुए देखते हैं, जो कि कम्प्लीटली एक्सप्रेशनलेस है। और अगले ही सीन में मोनिका रैम्बो भी किसी फोर्स से पुल होते हुए दिखाई देती है। यह मोनिका रैम्बो वही कैप्टन मार्वल की है, जहां पर उसके पास अभी तक तो कोई पावर नहीं थी, बट शायद वांडा या एग्नेस के कारण ही इसके पास भी पावर्स आ जाते हैं। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वह एजेंट ऑफ सोर्ड के लिए काम कर रही है, जहाँ पर उसको वांडा पर स्पाई करने के लिए भेजा गया है। बट क्योंकि कॉमिक्स के लेटर पार्ट में वांडा पागल हो जाती है और इवन एग्नेस को भी मार देती है, शायद उसने मोनिका रैम्बो को भी अपने ड्रीम रियलिटी से इस रियलिटी में भेज दिया है। अब इसी के साथ ट्रेलर तो खत्म हो जाती है, बट सैडली इनफ इससे रिलेटेड थ्योरीज का कोई एंड नहीं है। होप कि किसी और वीडियो में हम इस सीरीज वांडा विजन और कॉमिक्स के कनेक्शन को भी डिस्कस कर पाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा यह ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा डिटेल्स ने आपका सर चकरा दिया, और अगर आपका भी कुछ थ्योरी है इस मूवी के रिलेटेड। फ्यूचर में ऐसे ही एक्सप्लेन वीडियो, रिव्यूज, फैक्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल स्पिल रिव्यूज को। हम हर एक वीडियो के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सब्बा खैर।